डीजल का क्या हुआ? इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, लगातार दूसरे दिन डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। ये भारत के पेट्रोलियम इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है जब डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। लगातार 19वें दिन दाम बढ़े और 19वें दिन जब दाम बढ़े हैं तो डीजल का दाम दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा पहले से ही चौपट है, बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिनके पास रोजगार है उनकी भी वेतन कटौती हो रही है और आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। डीजल के मूल्य बढ़ने और महंगाई में सीधा संबंध है, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ने से परिवहन चालक अपना किराया बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से परिवहन लागत बढ़ेगी, यानी हर चीज महंगी होगी। डीजल के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी कीमत देश के किसानों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि किसान डीजल से ही ट्रैक्टर और पानी का पंप सेट चलाते हैं। एक तो लॉकडाउन में उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ डीजल का मूल्य बढ़ाकर सरकार ने किसानों पर दोहरा वार किया है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर 2015 को मोदी सरकार ने डीजल के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया था, तब से डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, अब की बार डीजल पेट्रोल के पार, अब की बार झूठों की सरकार। मोदी जी अब जनता को किस बात की सजा दे रहे हैं?